हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की रेसिपी। मूंग दाल मैं बनाना सिखाऊंगी इस तरह से, बिल्कुल सिंपल हींग जीरे के तड़के वाली आप दाल बना सकते हैं घर में, वो भी झटपट। तो आइए मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस दाल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल ली है, पीली वाली दाल ली है मैंने, पीली वाली मूंग की दाल। और आपके पास अगर छिलके वाली मूंग की दाल है तो वो भी आप ले सकते हैं, और उसको भिगोकर आप उसको छिलके अलग कर दीजिए उसके, और उसके बाद में इस दाल को आप बना सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर बिना छिलके की मूंग की दाल है। तो ये देखिए, मैंने 1 कप ली है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको 2-3 बार वॉश कर लेंगे पानी से, और उसके बाद में इसके पानी को ड्रेन करके इसके अंदर साफ पीने वाला पानी हम ऐड करेंगे, और उसको भीगने के लिए हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम इससे बनाएंगे मूंग की दाल। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दाल भीग कर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं काफी फ्लफी हो गई है और काफी फूल गई है। तो इससे हम दाल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे दाल को बॉईल करना होगा। तो बॉईल करने के लिए मैंने लिया है कुकर, प्रेशर कुकर हम लेंगे और इस दाल को उसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दाल को प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जितनी आपने दाल ली है उसकी 4 टाइम्स हमें वाटर ऐड करना है। तो चौगनी क्वांटिटी में हमें वाटर ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 कप दाल है तो 4 कप पानी ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें इसमें ऐड करना होगा नमक। तो लगभग 1 चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 1/4 चम्मच के करीब आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल दाल है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है। और जब भी आपको फीवर हो या फिर आप वेट लॉस करने का सोच रहे हो तो आप ये दाल बना सकते हैं। ये देखिए, 1 पिंच मैंने हींग भी ऐड कर दी है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो आप इस तरह से बॉईल करने में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाद में हम इसमें इसको दाल को बॉईल करके तड़का भी लगाएंगे, तब भी हम हींग का यूज़ करेंगे। हींग से डाइजेशन अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और साथ ही स्वाद भी बढ़ाती है दाल का। ये देखिए, हाई फ्लेम पर आप इसमें 2 सीटी ले लीजिए। उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे हम और कुकर को ठंडा होने देंगे। उसके बाद गैस को, ये देखिए, कुकर को खोलेंगे। ये देखिए, कुकर ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दाल को खोलकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, दाल पूरी तरीके से पक चुकी है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, कुछ इस तरह की दाल हमें चाहिए। अब अगर आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें पानी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी आप बॉईल कर दीजिए, वरना आप इस दाल को बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं। ये दाल हमारी बनकर रेडी है और अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इस पर तड़का लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर हींग जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा टमाटर और अदरक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है घी। तो थोड़ा सा घी गरम कर लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ऐड कर दिया है। इसमें अब ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब हींग। तो हींग अगेन मैंने ऐड किया है। जीरा भी डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हमें कोल्ड कफ होता है और हमें बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, तो आप ये दाल बनाकर और इन्जॉय कर सकते हैं। हल्की सी रोटी के साथ आप इन्जॉय कीजिए। देखिए, सूखी हुई लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी है। और ये देखिए, दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब ये जो तड़का हमने बनाया है ये हम इस दाल पर ऐड कर देंगे। ये देखिए, तड़का तो जा चुका है इस पे, और साथ ही इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो इसकी खुशबू, साथ ही इसकी अपीयरेंस भी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप भी फ्रेंड्स ट्राई कीजिए इस दाल को, और अगर आप वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो भी आप इस दाल को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और आप इसको कितनी भी क्वांटिटी में इंजॉय कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप इसमें जब तड़का लगाएं तो घी और तेल कम से कम यूज करें। ये देखिए, ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नींबू का रस, और आप इसको इंजॉय कीजिए। रोटी, चपाती या फिर प्लेन राइस के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल। बाय।